जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास जो कि हमारी है कंपाउंड इंटरेस्ट की, जो कि है जीरो टू हीरो बैच। जीरो से लेकर हीरो हम बनाएंगे, ये हमारा वादा है आपसे। तो और हम इस वादे को जो है आपका पूरा भी कर रहे हैं और इसको पूरा करेंगे। आप सबको बस ये कहेंगे कि नोट्स को, इन क्वेश्चंस को, इन क्लासेस को वन बाय वन आपको लगाना है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की पहली क्लास है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की आज की पहली क्लास है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और इस क्लास को जो है अच्छे से भी तैयार करिएगा। मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जो हमारी पहली क्लास थी, और आज हमारी ये कंपाउंड इंटरेस्ट की फिर से पहली क्लास आ रही है। इसकी बेसिक क्लास हो चुकी है, 10,000 रुपए है, 10% है, 3 वर्ष हैं के लिए दिए गए हैं, देख सकते हैं। और अवधि के अंत में जो है चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपए प्राप्त होगा। आज हम इस क्वेश्चन को जब हम बच्चे करेंगे तो मेथड तीन मेथड से करेंगे। कितने मेथडों से करेंगे? तीन मेथड से करेंगे। एक मेथड से तो काम ही नहीं बनेगा। बच्चों अपना अपना आंसर जो है वो निकालने की कोशिश करिए हमारे साथ कि सर पहले तो मैं आंसर निकालूंगा, तो निकालने की कोशिश करिए। क्वेश्चन आपके सामने दिया है, टाइप नंबर मेथड नंबर नंबर वन आपके सामने लेकर आया हूं, जो कि ये फॉर्मूला बेस्ड नहीं हम लेके चलेंगे। सबसे पहले लेके चलेंगे मेथड नंबर वन जो कि रेशियो बेस्ड है। अब 3 साल की रेशियो क्या होगी बेटा? 3:3:1, मैंने पहले ही बताई थी। 3 साल की रेशियो क्या होगी? 3:3:1। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर रिपीट कर दो, तो मैं रिपीट कर रहा हूं। देखिए 2 साल की रेशियो बनानी हो बच्चा तो 1:2 लेनी है, 3 साल की लेनी है रेशो तो पहले तो 3 लिख लेना, फिर 2 साल की रेशो को प्लस करना है, 2 जमा 1 3, और इसके आगे कुछ नहीं है तो 1। अच्छा 4 साल की रेशो लेनी हो तो कैसे आएगी? पहले तो 4 लिख लेनी, 3 3 कितने होते हैं? 6, 3 जमा 1 4, और 4 क्या 1 1 1 ही आ जाएगा। अच्छा 5 साल की अगर रेशो निकालनी हो तो कैसे आएगी बोलो? शाबाश 5, फिर क्या आएगी? 6 4 10, 6 4 10, 4 1 5, और उसके बाद 1, कुछ भी नहीं है बच्चों, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा 6 साल की लेनी होती तो सबसे पहले 6 5 और 10 15, 10 और 10 20, 10 और 5 15, 5 और 1 6, और उसके बाद 1। इस प्रकार से रेशियो चलती है, ये सभी को मुझे लग रहा है रेशियो परफेक्ट है जी। तो आई होप कि रेशियो आपको आइडिया लग गया होगा रेशियो कैसे बनती है। बहुत बढ़िया बेटा, तो 3 साल की रेशियो मैंने क्या ले ली? 3:3:1 इस प्रकार से ले ली। अब हमने क्या करना है, 10,000 रुपए का बच्चा 10% कितने परसेंट है? 10%, बहुत बढ़िया जी, निकाल लेना है। तो कितना आ गया आपका? 100 रुपया। कितना आ गया? 100 रुपया। 10,000 का 10% कितना होता है, ऐसे भी समझ सकते हो। तो कितना हो जाएगा जी? 10,000 का 10, 100 नहीं होगा, 1,000 होगा। कितना होगा? 1,000 होगा, ठीक है जी। अब 1,000 का 10% निकाल देना है। क्या करना है? 1,000 का 10% निकाल देना है, तो कितना हो गया बेटा? 100 रुपया, ठीक है जी। इसके बाद 100 का 10% निकाल देना है ऐसे करके, तो कितना हो गया? 10 रुपए। इतना क्लियर है? टाइप हम तीनों टाइप से करेंगे, इस क्वेश्चन को एक प्रकार से नहीं पढ़ेंगे। याद रखो कि जो आपको मेथड सबसे बेस्ट लगता है ना, उसको तो बार बार यूज करो, और जो है मेथड हमें यूज करने पड़ते हैं मगर उनको कम करना पड़ता है। इस मेथड को अगर ये बेस्ट लगता है आप इसी को अपनाओ और बार बार इसी के ऊपर प्रैक्टिस करो मैक्सिमम क्वेश्चंस को लेके, ठीक है। अब क्या आएगा देखिए, अब पहले बारी की यानी कि पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, वैसे ये भी पहला दूसरा ये तीसरा साल है, ठीक है। तो पहले साल की यानी कि हमारी निकला कितना? 1,000 रुपया, तो दूसरे का आ गया 100 रुपया, और तीसरी बार कितना आ गया? 10 रुपये। मल्टीप्लाई करो कितना हो गया? 3,300 और ये 10, इसको पूरे को प्लस कर लीजिए, कितना
कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 3310। कितना हो जाएगा? 3310 रुपए। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ये मेथड नंबर वन है मेरा। इस मेथड से भी बच्चों आप जो हैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं इस प्रकार से। चलो अब करते हैं मेथड नंबर सेकंड से तैयारी। देखिए हर बार मैं मेथड ये नहीं बताऊंगा, मैं पहले से बता रहा हूं, तब मैं अपना अपनी सुविधा के लिए, यानी कि मैं अपनी मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो मेथड यूज करूंगा। पर आप जब ये क्लासेस देख रहे हो तो आपने कैसे मेथड यूज करना है, तो इसलिए आपने अभी से ही ये सुनिश्चित करना है, चॉइस करना है कि मुझे सबसे अच्छा मेथड कौन सा समझ आया, वही मेथड यूज करेंगे ना। अब ये थोड़ी कि कॉपी करना है किसी का, कॉपी नहीं करना है। आप YouTube पर देख रहे हैं अगर हमारी वीडियो को, तो मैं यही कहूंगा कि कॉपी ना करो किसी को भी। आप उस चीज का मीनिंग समझो और उस मेथड से ही आप बार बार उसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, ना कि किसी भी को भी कोई क्वेश्चन आ रहा है तो अलग मेथड से कर रहा है, दूसरा टीचर होगा तो वो किसी और मेथड से करेगा। बुक्स में भी वही वेरिएशन होता है, किसी बुक में अलग तरीके से किया, किसी बुक में अलग तरीके से किया। उतना लंबा मेथड नहीं करना है जैसा आपको समझाया जा रहा है। आप कोई भी एक मेथड अपना लीजिए। अब मैं मेथड नंबर दूसरे से बताने जा रहा हूं कैसे है। 10,000 रुपया है, ठीक है बच्चों, उसका 10% निकाल लिया जैसे हमने पहले निकाला था। कितना हो गया? 1,000 रुपया। ठीक है जी, 1,000 को लिया, इसमें प्लस कर दिया, तो अगर 10,000 पे में 1,000 पे आ जाए तो 11,000 हो जाता है जी। 11,000 का अगर आप 10% निकालोगे तो कितना आएगा बेटा? 1,100। ठीक है, अब 1,100 इसमें 11,000 में प्लस कर दिया तो कितना हो जाएगा? 1,100 में आ गया तो 1,210। ठीक है जी, समझ आ रहा है आपको। अब उसका 10% निकाल लेना है, उसका 10% निकाल लेना है। 1,210 का 10% कितना हो गया जी? 121। तो तीनों को आप प्लस कर दीजिए, एक ये आ गया, यहां से जी यहां पे अब बनाना पूरा 12,100 है ना, यहां पे मिस्टेक की थी, तो एक जीरो जो है वो यहां पर आएगी। मैं वही सोचूं कि मिस्टेक क्यों आ रही है। जीरो ही आ गया, वन ही आ गया, दो एक तीन आ गया, और इसका तीन एक एक और एक, ये सभी को प्लस कर रहा हूं बच्चों, इस सब को प्लस कर रहा हूं और कुछ नहीं है। तो 3,310 रुपये, 3,310 रुपये, फिर से वही सेम आंसर निकला है। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया। तीसरा मेथड ये है जो कि हमारा फॉर्मूला, ट्रेडिशनल मेथड, जो कि हम आज तक हमारी किताबों में यही लिखा आ रहा है और ये लिखा आता रहेगा आने वाले 10 साल भी। ठीक है, क्यों? 20 साल से मैं पढ़ा रहा हूं तो 20 साल से तो मैं ही देख रहा हूं कि यही चीज लिखी हुई है किताबों में, कभी चेंज नहीं हुआ है किताबों में, बदलाव नहीं आता है, हमें ही बदलाव लाना है। तो आप कोई भी बदलाव से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए क्या मैं बोल रहा हूं, मेथड है या फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी 1 प्लस रेट ओवर 100 रेज टू पावर टाइम। प्रिंसिपल कितना हो गया बच्चों? ये लंबा है मेथड थोड़ा सा, 10,000 रुपया, रेट कितना हो गया? 10%, और टाइम कितना हो गया? 3 साल। 10,000 रुपया ये आ गया, 100 110 ओवर 100, इसको 3 बार लिख लेना, क्यों? क्योंकि ऊपर 3 लिखा था इसलिए मैंने इसको 3 बार लिख लिया प्यारे बच्चों। ठीक है, अब आपने काटम पीटी कर लेनी है, जो कटता है वो काट दीजिए, नहीं कटता है तो नहीं काटना है, छोड़ेंगे किसी को नहीं। ठीक है, इसको अब 110 11 गुना 11, और वो कितना होता है? 1,331, और ये 0 आ जाएगा। तो ये आपका कितना आ गया?
टोटल अमाउंट आ गया, क्या आ गया, अमाउंट आ गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है जो कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, यानी कि 13,133,10 माइनस 10,000। तो 10,000 में से ये माइनस किया तो कितना हो गया 3,310, कितना हो गया जी 3,310 हो गया बेटा। आई होप कि आपको मेरी बात जो है वो क्लियरली समझ आई होगी, और ये तीनों मेथड से एक ही आंसर निकल रहा है, कोई डिफरेंट आंसर नहीं निकला है। अब मुझे नहीं मालूम है कि आपको मेथड कौन सा पसंद आया है, पहला मेथड, दूसरा मेथड या तीसरा मेथड। जो भी मेथड आपको पसंद आ रहा है आप उसी मेथड से ही पढ़ना और करना दोनों शुरू करिए आज से, ठीक है। आई होप कि आपको ये मेथड बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। अब ये था इसका आंसर, और अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। अभी जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ये कर रहे हैं हम डिटेल वाइज, बाद में हम करेंगे कैसे करेंगे बच्चों, वो करेंगे हम ऑप्शन वाइज। जब ऑप्शन वाइज करते हैं तो आंखों से ही आंसर हो जाता है, जैसे आंखों से ही सब कुछ हो जाता है ना, वैसे ही आंखों से ही निकल जाता है। जैसे ये क्वेश्चन है ये आंखों से ही हो जाता है। कारण क्या है इसका, कारण ये बोला कि 5,655 जो है वो इसका मिश्र धन दिया है। मिश्र धन क्या होता है, अमाउंट होता है, क्या होता है, अमाउंट जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। अमाउंट ये देखो अमाउंट बिकम्स इतना, ठीक है। अब 10% की ब्याज की दर है, 3 साल का समय दिया गया है, और धन पूछा है, धन मतलब प्रिंसिपल पी। अब देखो पी पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पूछने का तरीका बहुत अच्छा है, बट आप चलाएंगे कैसे वो मेन दिक्कत है, या मेन सोचने वाली बात है, ठीक है। तो अब क्या ये ऑप्शन होती तो आप ऑप्शन उठानी थी और इंटरेस्ट निकाल के मिश्र धन निकाल देना था, यानी कि अमाउंट निकाल देना और आंसर डायरेक्ट आ जाता, ठीक है। तो वो भी हो जाता है, वो ऑप्शन पे डिपेंड है। बट एट प्रेजेंट इस वक्त की कंडीशन क्या है, इस वक्त की कंडीशन है विदाउट ऑप्शन। जब हम विदाउट ऑप्शन चलते हैं तब हमें कोई ना कोई मेथड जो है वो फॉलो करना है, यानी कि फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी हमारे पास अमाउंट क्या दिया है बेटा, अमाउंट का फॉर्मूला होता है P1 प्लस रेट ओवर 100 होल इज टू पावर T, यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब मेरा पहला दूसरा मेथड क्यों नहीं अप्लाई हो सकता, क्योंकि हमारे पास उसमें प्रिंसिपल नहीं दिया है, सीधा अभी क्या दिया है अमाउंट दिया है, तो अब घुमाकर उल्टा तो हम प्रिंसिपल निकाल नहीं सकते, वो दिक्कत थी, ठीक है। तो हमने क्या किया, और उल्टा करना हो तो कर भी सकते हो, ऐसा भी कुछ नहीं है, इसका 10% निकालो फिर उसको उससे माइनस करो, फिर 10% निकालो फिर माइनस करो तो प्रिंसिपल निकलेगा। पर वो एक उल्टा जब प्रोसेस चलाते हैं तो वो थोड़ा सा क्या लगता है हमें, लंबा लगता है, ठीक है जी, क्योंकि वो प्रॉब्लम देता है। तो मैं इसलिए यही सुजेस्ट करूंगा इस सिचुएशन में आप यही मेथड यूज करें, P1 प्लस रेट हो गया 10 ओवर 100, टाइम हो गया 3 साल, P टोटल हो गया 110 ओवर 100। आप देख रहे हैं जैसा हमने पहले पढ़ा था वैसा का वैसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन जो है वो चला आया है। तो 0 से 0 ये गई, इस 0 से ये भी 0 गई, और 11 का क्यूब कितना होता है, 6×6=5, ये होता है 1,331 ओवर 1,000। P इज इक्वल टू 6,655 × 1,000/1,331, 1,000/1,331। अब 66 जो 55 है उसको अगर आप 1,331 से अगर भाग करें तो ये 5 से पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, किससे हो जाएगा 5 से। तो आंसर कितना आ गया बेटा, 5,000, कितना आ गया आंसर 5,000। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है वो होगा, और अगर ऑप्शन दी होती आपके पास, ठीक है, तो आपने क्या करना था बेटा बोलो, 5,000 रुपये का क्या लेना था आपने, बोलो सर कुछ नहीं लेना था, 3 साल बोला हुआ था, 3 साल की सीधी हमने रेशियो लिखनी थी, है ना।
और 5,000 रुपया हमने उठाना था, उसका 10% निकाल लेना था, तो कितना आ गया 500 रुपया। फिर 500 का भी आपने 10% निकाल लेना था, कितना आ गया बेटा 50 रुपये। और 50 का भी आपने 10% निकाल लेना था, सबसे सिंपल तरीका 5 रुपये, और ये यहां पर फिल कर देना था। और इससे क्या हुआ, ये जितना हमने लंबा प्रोसेस किया है, इस लंबे प्रोसेस की बजाय हमने ये ही पे कवर हो जाना था, 5 × 3 = 1500 और 50 × 3 यानी कि आपके 150 ये हो गया और 5 ये हो गए, और टोटल इसको प्लस कर दिए तो कितना हो गया 1500, 1600, 1650, 1655, 1655 ये बन गया आपका क्या, ये बन गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यानी कि आपको तो निकालना अमाउंट है क्योंकि क्वेश्चन में 6655 है, तो हमने क्या करना, हमने कुछ भी नहीं करना, हमने 5,000 रुपये में वो जो हमारा ब्याज आया है कौन सा 1655 ये प्लस कर देना था। देखो बन गया ना अमाउंट ही, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मेथड बिल्कुल सही है, मगर दिक्कत क्या थी, ऑप्शन नहीं थी। आपको क्या पता कि 5,000 रुपये ही उठानी ऑप्शन, अगर 4 ऑप्शन होती तो मिलती जुलती आप ढूंढते हैं ना, तो अभी क्या है, अभी आप डिटेल में पढ़ रहे हैं इसलिए हम ऑप्शंस नहीं उठा रहे हैं, ठीक है। जब हम ऑप्शंस वाइज क्वेश्चन करेंगे तो डायरेक्ट आपको जो है इसकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी, तो अभी हमारा ये डिटेल्ड मैथ चल रहा है इसलिए हम इस प्रकार से क्वेश्चन कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है जी। अब क्वेश्चन का टाइप बदल चुका है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। ये आप बोलोगे सर 1 रुपए का 2 गुना हो गया जी, नहीं जी, कंपाउंड इंटरेस्ट में तो पहले साल तो हो जाता है, पर दूसरे साल तो वो जो उसका प्रिंसिपल उसमें जमा होता है, तो इसलिए बेटा जी इसका टाइप बदल गया है, इसका टाइप बदल गया है, दिमाग में आपने बिठा लेना है। अब देखिए क्या कह रहा है ये प्रश्न, ये क्वेश्चन कहता है कि कोई धन है चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में ये दुगना हो जाता है, कितने साल में हो जाता है 5 साल में ये डबल हो रहा है, ठीक है। तो वह उसी दर से ये कितने वर्षों में, ये वर्ष नहीं पता है, पर ये 8 गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। यहां पर मैं आपको एक नकल दूंगा, शॉर्टकट भी दूंगा, नकल भी दे रहा हूं, शॉर्टकट है ये जो दोनों है ना, इन दोनों का आपस में ना तालमेल रहेगा, हर बार क्या रहेगा, इनका आपस में तालमेल रहेगा, यानी कि वहां पर 2 है तो यहां पर 4 पूछ सकते हैं, 8 पूछ सकते हैं, 16 पूछ सकते हैं, 32 पूछ सकते हैं, तब आपने क्या करना है, इस 8 को जो है ब्रेक करके 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, हाँ या ना, मैं जवाब दीजिएगा, 2 या 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 × 4 × 8, इसलिए हम 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, और जो इसकी पावर होती है ना बेटा, वो इसके ईयर से आपने मल्टीप्लाई कर देनी है, यानी कि 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, और आपका आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ गया 15 साल। आई होप कि आपको थोड़ा सा ये टाइप क्लियर हुआ होगा, ये टाइप कब चलाना है, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के समय में। वैसे तो अगर यही साधारण ब्याज पर होता तो मैंने कैसे पढ़ाया था, आपको याद होगा है ना, कैसे पढ़ाया था, 5 साल में दुगना हो गया, यानी कि 5 और कितने सालों में जाएगा, ये मैं साधारण ब्याज का बोल रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो 5 साल में दुगना हो जाएगा, तो दुगना होगा यानी कि 1 रुपया मेरा था वो क्या हो गया 2 रुपये, क्योंकि उसमें 1 रुपया हमें एक्स्ट्रा आया, तो ये इसलिए 1 आ गया। कितने सालों में 8 गुना हो जाएगा, यही 1 रुपया 8 रुपये बन रहा है, यानी कि 7 रुपये जमा हो रहे हैं, तो बटा 7 करते थे, बोलो समझ आ रहा है ना। तो टाइम कितना होगा 35 साल, अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट से, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट से यही पैसा निकालना होता तो कितने समय लगते, 35 साल लगते बच्चों, और इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में कितने लग रहे हैं, सिर्फ 15 साल। ये है डिफरेंस आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो आई होप कि आपको दोनों मेथड्स जो हैं वो माइंड में रहेंगे, मैं इसको क्लियर कर रहा हूं क्योंकि जब बच्चे इसको नोट्स को देखेंगे तो कंफ्यूज होते हैं, ठीक है।
तो ये टाइप क्लियर हो गया होगा, 15 साल आंसर आ गया है। अगला टाइप फिर से कोशिश करिए, अपने आप से जैसा मैंने समझाया वही ये टाइप है। क्या लिखा है? एक धन है चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4 वर्ष में दुगना हो गया। क्या बोला है? 4 सालों में दुगना हो गया, हो जाए ठीक है। वही धन अपने आप का 16 गुना, यही पढ़ाया था ना। 16 गुना का क्या मतलब होता है? मैंने बोला इन दोनों का आपस में क्या है, संबंध रहेगा, कुछ न कुछ तालमेल रहेगा। और ये 2 की पावर कितनी चले जाएगी बच्चों? 2 की पावर आ जाएगी सर 4 आ जाएगी। 2 दुनी 4 दुनी 8 दुनी 16। और ये 4 किससे मल्टीप्लाई करने हैं? इसके ईयर से करने हैं, यानी कि 4 गुना 4। डायरेक्ट आपका पेपर में समय नहीं लगेगा और डेफिनेटली आपका आंसर और रिजल्ट आएगा 16। तो आई होप कि आपको ये टाइप बहुत ही मजेदार और अच्छा लगा होगा, और आप इसको मतलब अच्छे से जो है वो समझ भी लेंगे। नेक्स्ट टाइप की तरफ चल रहा हूं, वो क्या है? वो ये है कि धनराशि, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में, 2 सालों में इतने रुपए, 3 सालों में इतने रुपए हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे आप? ठीक है, 2 सालों में इतना हो रहा है, तो इसमें एक चीज कॉमन देख रहे होंगे आप दोनों में, ये डिफरेंस, ये देखो 2 सालों में क्या बोला, 2420 है, ठीक है। तो 3 सालों में, इन दोनों का डिफरेंस एक ही साल का पड़ा है, कोई ज्यादा नहीं पड़ा है, ठीक है। तो डिफरेंस कितने साल का आया? एक साल का आया। ये मैंने जो, ये जो ट्रिक दे रहा हूं, ये सिर्फ एक साल के डिफरेंस के लिए ही दे रहा हूं, ज्यादा नहीं दे रहा हूं। मतलब दोनों रेगुलर ईयर्स होने चाहिए, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा साल। ऐसे नहीं हो कि दूसरा और दूसरा छठा साल है, तो नहीं चलेगा ये तरीका, ठीक है। तो ये तरीका फेल हो जाएगा आपका। तो ये एक साल के डिफरेंस के लिए ही चलना है। तो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? अब चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन में आपने क्या किया, दोनों का डिफरेंस आया एक साल का, तो दोनों को आपस में माइनस किया, यानी कि दोनों के ये जो पैसे हैं वर्ष के, जो रुपए बने हैं चक्रवृद्धि ब्याज के, उनको आपस में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। और सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा बोलो? 242 रुपए। कितना आ जाएगा? 242 रुपए। और जो कम वैल्यू होती है, कम मतलब स्टार्टिंग वाली वैल्यू, वो चीज नीचे लिखनी है, 2420 और मल्टीप्लाई 100। 100 किस चीज का है? ये हमारी परसेंटेज का है, कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है जी। परसेंटेज क्योंकि दर निकालनी है, तो इसलिए अब वो तो परसेंटेज में ही होती है, रेट जो होता है 5% 10%, इसलिए 100। तो 0 से 0 गया, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो सीधा गया, तो 10%। तो आई होप कि आपको ये टाइप भी क्लियर हुआ होगा, जब डिफरेंस एक साल का होता है। अब सर आपने एक साल का तो पढ़ा दिया, 2 साल का नहीं पढ़ाया, तो भैया 2 साल के लिए आपने मेरे को आगे अगले टाइप पे चलना है, और वहां पर मैं आपको अब 2 साल के टाइप के लिए भी समझाऊंगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो पहला वर्ष के अंत में और दूसरे वर्ष के अंत में, बिल्कुल डिट्टो सवाल है, सभी अपने अपने साथ कॉपी पेंसिल पे कर सकते हैं, सभी वीडियो को साथ देखते देखते खुद ट्राई किया करो। पहले साल की बात कर रहे हैं तो 200, दूसरे साल की बात कर रहे हैं तो 220, तो दोनों में फर्क आ गया एक साल का, इसलिए मेरा ट्रिक चल पड़ेगी। सीधा 20 लिखा, और नीचे कितना लिखेंगे? 200 लिखेंगे। मैंने बोला है ना स्टार्टिंग वाला लिखना है, कम वाला, ठीक है, वो ये है। और गुणा 100 क्यों? सर रेट निकालना है, 0 से 0 गया, 2 से ये गया, तो फिर से कितना आ गया बेटा? 10%। मुझे लगता है कि अगर ये ट्रिक्स, ये टाइप्स आप दिमाग में बिठा लेंगे, तो आपको कुछ भी और सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कारण इन क्वेश्चंस क्या क्या है, टाइप्स हैं, पहले ये टाइप्स हमारे कवर होने चाहिए, तो मैंने आपको ये टाइप कवर करके दिया है, जिसका डिफरेंस एक साल का होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जिसका डिफरेंस कितने का आएगा?
साल का, अब 2 साल के डिफरेंस को लेके चला, 2 साल में कितना बन रहा है, 3600 रुपया, और 4 सालों में बन रहा है 5184 रुपए। तो यानी कि डिफरेंस कितने टाइम का आया बेटा, डिफरेंस कितने का फर्क पड़ रहा है, 2 साल का सर। अब क्या करेंगे, तो मैं बोलूंगा बेटा अब ट्रिक ही बदल गई, अब ट्रिक ही बदल गई। अब वैल्यू जो बड़ी है उसका ध्यान रखना है, 5184 बड़े हैं और छोटे कौन है, 3600। तो बड़ी रकम ऊपर ही आती है हमें पता है, इसलिए हमने ऊपर लिख लिया। अब बोलोगे सर यहां पर क्या लिखना है, तो यहां पर जब हमने रेट निकालना है तो 1 + रेट ओवर 100 होल रेस्ट पावर डी। डी कौन है, डिफरेंस। डिफरेंस कितने टाइम का आया, 2 साल का, तो मैंने 2 लिख दिया। रेट कितने का दिया हुआ है, नहीं सर वो तो निकालना है, तो रेट निकाल लेंगे ना भाई, काहे की टेंशन है। अब आपको स्क्वायर रूट्स याद होने चाहिए, जब भी ये टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं तो स्क्वायर रूट्स जो हैं वो आपको क्लियर आउट होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको क्लियर ही ना हो ये टाइप्स, ठीक है। तो देखिए जो 5184 है ये किसका स्क्वायर रूट है, ये 36 का स्क्वायर रूट है, किसका है, 36 का। और आगे आपने कंटिन्यू करना है, आपने सोचते रहना है ये किस किस के स्क्वायर रूट्स होते हैं, 36 का है कि किसका है, ये आप देखिए, देखिए इसका, मैं भी देख रहा हूं आप भी ट्राई करिएगा, 1236 होता है, 36 का स्क्वायर कैसे हो जाएगा, गलत है गलत है गलत है। अच्छा स्क्वायर रूट्स का अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको एक बार स्क्वायर रूट्स भी सिखा ही देता इस क्वेश्चन के साथ साथ में, कि स्क्वायर रूट्स निकालते कैसे हैं। जैसे कि अगर हमें 5184 का चेक करना स्क्वायर रूट, तो ये देखिए 4 किसके किसके टेबल में आया, ये आया सर 2 और 8, क्योंकि 2 2 जा 4 और 8 8 जा 64। और 51 किसके पास आता है बेटा, 51 किसके पास आता है, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64, तो यानी कि 7 7 जा 49। अब ये 2 वैल्यूज आ गई हमारे पास, ठीक है। अब इन दोनों में से एक वैल्यू का स्क्वायर रूट है, तो 7 के बाद क्या आते हैं, 8 आते हैं, 8 7 जा 56 है ना, ठीक है। तो अब ये जो है 51 जो जो छोटा हुआ, इसलिए 72 का स्क्वायर रूट होगा, किसका होगा, ये 72 का स्क्वायर रूट होगा, और आप देख सकते हैं कि 72 का ही ये स्क्वायर रूट होगा। ऐसे ही 3600 जो है वो किसका स्क्वायर रूट होगा, वो 60 का होगा, 60 का, ठीक है। और दोनों का स्क्वायर कॉमन ले लियो, 1 + r/100 होल रेज़्ड पावर 2। अब क्या करना है, अब 2 आपका दोनों साइड बराबर हो गए, इस 2 से ये 2 कट गया, ठीक है जी। अब आपने काटम पेटी जो भी करनी है वो कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है। जैसे मेरे को लग रहा है कि करना है तो 10 ये ले लिया मैंने, क्योंकि 6 से काट रहा हूँ, 6 कम 6 0, 6 कम 6 6 दुनी 12, और ठीक है मेरे लिए, ठीक है। तो 12 - 1 = r/100, ठीक है, 12/10, एलसीएम ले लेंगे तो बच जाएगा 2/10 = r/100, 0 से 0 गया, तो r की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 20%, कितनी होगी, r की वैल्यू मेरे हिसाब से जो है वो 20%, और यहाँ पर आंसर भी 20% आ चुका है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कैलकुलेशन अपनी अपनी होती है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि कैलकुलेशन मत देखो, कैलकुलेशन खुद से करो, जितना अपने आप से कैलकुलेशन करेंगे उतना ही ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। अगला सवाल, सेम सवाल है, देख सकते हैं डिफरेंस 2 साल का आ रहा है, आप ट्राई मार सकते हैं अपनी तरफ से। तो डिफरेंस अगर 2 साल का आ रहा है प्यारे बच्चों, तो किस प्रकार से हम क्वेश्चन को करेंगे, वही फॉर्मूला, कौन सा सर, बड़ी रकम जो है वो ऊपर लिखनी है, 1610051/133100, ठीक है। रेट 1 + r/100 होल रेज़्ड टू पावर डिफरेंस तो 2 का है, तो 2 ही आएगा। अब तो डायरेक्ट इतना तो समझ आ ही गया है,
ठीक है, इतना तो समझ आ ही गया है। अब इसके बाद काटम पिटी वाला ही काम है जो आपको खुद देखना चाहिए कि कैसे हम इसको अब क्लियर करें, ठीक है, काटम पिटी का। ठीक है, तो टोटल टोटल में आपका जो है ये किसके स्क्वायर रूट के नजदीक आएगा वो अब आपने देखना है, किससे कटेगा, 2 से काटते हैं, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और ये 0, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और यहाँ पे 1 आ गया इसलिए नहीं कटेगा। सोचिए सोचिए किससे कटेगा, सभी काटे हैं अपने साथ साथ में, इससे जितना आप करेंगे खुद तो ही आपको ये बातें जो हैं वो क्लियर होंगी कैलकुलेशंस की। ठीक है, तो मैं अभी जो हूं मैं डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूं, तो आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात को। तो ये जब आप इसको काटेंगे तो किससे कटेगा ये, सभी ट्राई करने की कोशिश करिए। तो ये आपका आना चाहिए आपका 121/100, ठीक है जी, ये आप आपने निकालना है आराम से बैठ के, ठीक है जी, होल की पावर 2, ठीक है, जो कि ये 121 जो है, ठीक है, ये किसका हो गया आपका, ये हो गया 11 का और दूसरा हो गया 10 का, क्योंकि 10 10 100 स्क्वेयर से स्क्वेयर कैंसल आउट हो गया है और 11/10 - 1 R/100। अब एलसीएम ले लीजिए आप, कितना आ जाएगा R/100, तो 10 यानी कि 1/10, तो 0 से 0 गया तो R की वैल्यू कितनी होगी, 10%, R की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 10% हो गई। तो ये इसका आंसर रहेगा, थोड़ा सा याद रखिए कैलकुलेशंस, जैसे कि अभी इसका स्क्वायर रूट है, लंबा है वैल्यू, ठीक है, तो लंबे वैल्यू के लिए ही हमें प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ती है। तो आई होप कि आप मेरी बात को अंडरस्टैंड बहुत ही अच्छे से जो है वो कर लिए होंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास में जो है हमने टोटल टाइप्स जो है वो 3 टाइप्स पढ़े हैं, तो आपने इन तीनों टाइप्स को जो है वो परफेक्ट करना है। तो ये क्लास आज ही के लिए इतने पर ही मैं स्टॉप करता हूं, क्योंकि आगे ज्यादा हो जाता है, अगर सिलेबस हम आगे कंटिन्यू चलाएं तो ज्यादा लंबी हो जाती है, तो हम ये चाहते हैं कि आप जो रोजाना जो है वो प्रैक्टिस हमारे साथ इसी प्रकार से करते रहें और अपना जो प्रैक्टिस है वो भी साथ साथ में बनाए रखें। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा, जय हिंद, जय भारत और जय हिमाचल।